मूंग में मिलों की मांग धीरे धीरे बढ़ने लगी है, जबकि अच्छी क्वालिटी मूंग की आवक बेहद कम है, जिससे भाव में सुधार रहा। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शनिवार को बेस्ट क्वालिटी मूंग 100 रुपये बढ़कर 7,500 रुपये, तो एवरेज 6,000 से 6,700 रुपये, और नया मूंग बारिश का 6,800 से 7,500 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुँच गया। वहीं राजस्थान में मूंग की सरकारी खरीदी धीमी गति से हो रही है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में मूंग की आवक कमजोर है। इस बीच कर्नाटक में MSP 7,755 रुपये प्रति क्विंटल पर मूंग की खरीदी हो रही है। अन्य राज्यों में खरीदी शुरू होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मिलर्स और स्टॉकिस्ट के हाथ में मूंग का अधिक स्टॉक नहीं होने से तेजी को सपोर्ट मिला है, और इसके चलते मूंग दाल और मूंग मोगर में भी 50 रुपये की तेजी देखने को मिली। दूसरी ओर तुअर दाल में अपेक्षित ग्राहकी ना होने से और आयातित मालों की आवक बढ़ने के कारण तुअर दाल 100 रुपये गिर गई। तुअर में फिलहाल मिलों की लिवाली कम रहने से भाव में स्थिरता बनी हुई है। तुअर महाराष्ट्र सफेद 7,400 से 7,700 रुपये, कर्नाटक 7,700 से 8,000 रुपये और निमाड़ी तुअर 6,600 से 7,700 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिल रही है। दरअसल मसूर में उठाव कम होने से भाव में आंशिक नरमी रही। मसूर घटकर नीचे में 6,600 तो ऊपर में 6,650 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गई। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने और उड़द में कामकाज सामान्य देखने को मिल रहा है। भाव में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन काबुली चने की आवक घटकर 600 रुपये रहने से इसके एग्जामों में तेजी देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।